शिवसेना नेता अंबा दास दानवे ने बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाए कि वे संभाजी भिड़े का बचाव करते हुए उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए भिड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। संभाजी भिड़े ने गुरुवार को अमरावती के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कथित टिप्पणियां की थी, जिसे लेकर राजापेट पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज किया था। विधान परिषद में विपक्ष के नेता दानवे ने संवाददाताओं से कहा, बीजेपी की निष्क्रियता और प्रोत्साहन के कारण भिड़े ने महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व पर हमला किया। राज्य सरकार भिड़े को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है और उनके बयानों का समर्थन कर रही है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार और शनिवार को भिड़े की आलोचना की और राज्य सरकार से उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। शिवसेना नेता अंबा दास दानवे ने बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाए कि वे संभाजी भिड़े का बचाव करते हुए उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए भिड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। संभाजी भिड़े ने गुरुवार को अमरावती के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कथित टिप्पणियां की थी, जिसे लेकर राजापेट पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज किया था। विधान परिषद में विपक्ष के नेता दानवे ने संवाददाताओं से कहा, बीजेपी की निष्क्रियता और प्रोत्साहन के कारण भिड़े ने महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व पर हमला किया। राज्य सरकार भिड़े को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है और उनके बयानों का समर्थन कर रही है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार और शनिवार को भिड़े की आलोचना की और राज्य सरकार से उनकी गिरफ्तारी की मांग की है।